निवडणूक जशी जवळ येते तसे तसे आमचे काँग्रेसचे लोक हिंदू बनतात. हे चुनावी हिंदू आहे, हे मंदिरामध्ये जातात, हे दर्शन करतात. निवडणूक आली की मंदिर आणि निवडणूक संपली की बँकॉक, अशा प्रकारचं यांचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. अशा प्रकारचे नेते, काल परवा मी कमलनाथजींचं स्टेटमेंट पाहत होतो, ते म्हणाले राम मंदिर पे राजनीति चल रही है और हम भी सनातन को मानते हैं. कमलनाथ जी, आप अगर सनातन को मानते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मसला चल रहा था और जिस समय मनमोहन सिंह जी की आपकी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आपने हलफनामा क्यों दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राम जी अयोध्या में ही पैदा हुए थे. कितना दुर्दैव है, राम जी कहां पैदा हुए अब इसका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ये कांग्रेसियों की फितरत हमने उस समय भी देखी और जिस समय सुप्रीम कोर्ट में केस हुई राम सेतु को तोड़ने की, राम सेतु को तोड़ा जा रहा था और सारे लोग भाजपा के सुप्रीम कोर्ट में गए. हमने कहा इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये तो प्रभु श्री राम जी ने तैयार किया हुआ सेतु है. लंका के विजय में सारे के सारे वानर इसी सेतु से गए थे और लंका पर विजय मिलाकर हमने सीता माता को वापस लाया था. उस समय इन्हीं कांग्रेसियों ने कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा राम सेतु नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये तो बहुत ही काल्पनिक इस प्रकार का राम सेतु है और ये कल्पना को वास्तविकता नहीं माना जा सकता, इसलिए इसको तोड़ने की इजाजत दे दी जाए. ये कहने वाले कांग्रेसी अब चुनाव आ गया तो कहते हैं हम भी सनातनी है, हम भी सनातन को मानते हैं. अरे चुनावी लोग हैं और इनके एक नेता, इन्होंने तो अभी इंडिया अलायंस तैयार किया, उस इंडिया अलायंस का एक नेता कहता है ये सनातन तो कोरोना जैसा है, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए. कांग्रेस के जो अध्यक्ष है खरगे जी, वो खरगे जी का बेटा प्रियांक खरगे जो कर्नाटक में कांग्रेस का मिनिस्टर है, वो कहता है कि ये सनातन में और डेंगू मलेरिया में कोई अंतर नहीं है. जैसे डेंगू मलेरिया खत्म करना पड़ता है वैसे सनातन को समाप्त कर देना चाहिए. कोई नादान लोगों को बता दो, अरे हजारों हजारों साल तक इतने आक्रमकों ने आकर इस सनातन पर प्रहार किया, सनातन समाप्त नहीं हो गया, आक्रमणकारी सारे समाप्त हो गए. क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, ये पुण्य पुरातन है, ये नित्य नूतन है. इस प्रकार की हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को मिटाने का काम कांग्रेस के माध्यम से चल रहा है.